हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास अनबॉक्सिंग होने के लिए मेड इन इंडिया TWS ईयरबड है, जो इसके लिए सिस्का की ब्रांडिंग के साथ आता है। तो मैं इसी की अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगा, एडिजेड प्राइसिंग और फीचर्स वगैरह बताऊँगा, और यह बताऊँगा कि इस प्राइस में इस TWS ईयरबड को आपको परचेजिंग वगैरह करना चाहिए कि नहीं। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जैसे जानते हैं ब्रांड भी मेड इन इंडिया और प्रोडक्ट भी मेड इन इंडिया है, और कुछ सरप्राइजेस वगैरह तो आपके लिए है ही। तो चलिए फिर दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दो दोस्तों, इसका मैं कर रहा हूँ गिव वे। गिव वे के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखना है जो तो आखिर में बताऊँगा, लेकिन दोस्तों फिर से रिपीट कर दूँ, 50% कम से कम वीडियो को वॉच करना होगा, हो सकता है तो पूरा कीजिए, ताकि आपके गिव वे की जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया ही होने वाला। आगे बात करूँगा और क्राइटेरिया के बारे में। तो चलिए फिर दोस्तों इसकी बॉक्स पैकिंग बात करें तो देख सकते हैं मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग वगैरह तो की गई है, यहाँ पे आपको सिस्का की ब्रांडिंग की गई, और यहाँ पे आपको मॉडल नंबर की ब्रांडिंग की गई है, जो मॉडल नंबर है सोनिक वर्ड IEB800। बेसिकली इतना मॉडल नंबर किसने, पता नहीं सिस्का ने ऐसा क्यों दिया, बेसिकली ब्रांड ने ज़्यादा मॉडल नंबर पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और इधर आपको मेंशन किया गया दी साउंड ऑफ न्यू जनरेशन की ब्रांडिंग की गई, तो न्यू जनरेशन साउंड होने वाला है। इधर आपको फीचर्स वगैरह मेंशन किया गया, बैक साइड में दो कलर में आता है दोस्तों, वाइट और ब्लैक कलर में आता है, बेसिकली हमारा वाइट है। तो फटाफट अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पे आपको क्योंकि इस सर्टिफिकेशन वगैरह दिया गया क्योंकि प्रोडक्ट ओरिजिनल है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए फिर फटाफट ओपन वगैरह करते हैं बॉक्स पैकिंग को। इधर आपको मेन हाईलाइट फीचर्स वगैरह बड़े बड़े अक्षरों में किया गया, तो काफ़ी ब्रांडिंग ज़्यादा की गई है। ओपन वगैरह करते हैं दोस्तों, इसको साइड में रखते हैं, ये सबसे पहले रखा हुआ मिल जाता है हमारा TWS ईयरबड, इसको भी साइड में रखते हैं, और इधर क्या है इसको निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं, ये तो यूजर मैनुअल है जिसको रीड वगैरह कर सकते हैं, छोटा सा यूजर मैनुअल है, इसको भी साइड में रखते हैं। और ये छोटी सी डिबिया है, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी चीज़ें होगी, हो काफ़ी चीज़ें नहीं है दोस्तों। इसके लिए USB 2 टाइप सी डेटा केबल है, छोटी सी जो येलो इसके शेड में आता है। ईयरबड टी इसमें आपको बेसिकली ईयरबड्स वगैरह नहीं दिए गए, ये बड्स वगैरह जो एडजस्टमेंट के लिए, एक सिंगल बड्स इसमें ही लगाओ मिल जाता जो ही दिया गया, ये काफ़ी सैड बात है, देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का कान का जो फिटिंग होता है वो अलग होता है, तो एडजस्ट वगैरह नहीं हो पाता। चलिए फिर दोस्तों इसकी बात करूँ तो सबसे पहले देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी और कलर की, तो वाइट कलर की बेसिकली मैं एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्क्रेचेज पर आ गए, फुल्ली वाइट में इसका की ब्रांडिंग वगैरह ग्रे कलर में की गई, तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी बेसिकली देखने में अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं वाइट कलर है, इसकी वजह से गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़्यादा ईयरबड्स वाइट वगैरह में नहीं मंगाता, ज़्यादा ब्लैक में मंगाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं टाइप सी पोर्ट दिया गया जिससे कोई चार्ज वगैरह कर सकते हैं, इंडिकेटर लाइट दिया गया तो देख पाएंगे इंडिकेटर वगैरह हो रहा। इधर आपको डैमिनेशन की जैसे बात करूँ, बिल्कुल जैसे बता ग्लॉसी फिनिशिंग है, डैमिनेशन काफ़ी अच्छा दिया गया, बेसिकली काफ़ी छोटा है, बेसिकली कैरी करने में आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जहाँ पर आपको ईयरबड्स की बात करूँ दोस्तों, तो एक चीज़ इसमें बता दोस्तों, इसकी जो ऑन ऑफ होने का इसमें कुछ मैकेनिज्म दिया गया, जो यहाँ पे छोड़ते हैं तो अपने आप ऑफ हो जाएगा, जो मैग्नेटिक ऑप्शन का टाइप दिया गया जो मैंने पहली बार किसी ईयरबड में देखा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब इसको साइड में रखूँ बात दोस्तों, तो इसकी बात करूँ TWS ईयरबड की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी भी वाइट कलर की है, बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल से रखी है, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है, जिसमें सिस्का की ब्रांडिंग में रखी है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट दिया गया, यहीं पर आपको माइक वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें आपको डेमिनेशन की बात करूँ दोस्तों, तो 13mm का ड्राइवर वगैरह दिया गया, उसके हिसाब से इसकी डंडी तो काफ़ी छोटी और काफ़ी स्टाइलिश रखा गया है। ईयरबड की ड्राइवर्स की बात करूँ तो इसकी थोड़ी साइज़ जो नॉर्मल होती है वैसी रखी गई, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा है, लेकिन ईयरबड अगर ईयर प्लग कैप्स दे देते प्रोडक्ट तो काफ़ी एडजस्टमेंट वगैरह अच्छा हो सकता था, नहीं तो इसी के साथ एडजस्ट वगैरह आपको करना पड़ेगा, लेकिन डिज़ाइन वगैरह के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन वगैरह रखा गया है। दोस्तों फीचर्स की बात करूँ तो फीचर्स में सबसे पहले बैटरी की बात करूँ तो केस की बैटरी की बात करूँ तो एक बार इसको फुल चार्ज करने हैं 2 घंटे के आसपास लगने वाला है, लेकिन एक और फुल चार्ज कर लेंगे तो बैटरी लाइफ की बात करूँ ईयरबड की बेसिकली इसकी 6 घंटे के आसपास मिल जाता है, और इससे इसको चार्ज 4 बार के आसपास चार्ज वगैरह कर पाएंगे, तो टोटल आपको फुल साउंड गाने वगैरह सुनते हैं तो 24 से 25 घंटे के आसपास बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करूँ कनेक्टिविटी की दोस्तों, तो VT 5.2 का कनेक्टिविटी वगैरह दिया गया, जो 10 मीटर रेंज वगैरह मिल जाता है, फास्ट पैडिंग सपोर्ट वगैरह तो नहीं मिलता, लेकिन कनेक्ट कर लेंगे तो गाने वगैरह सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पास में भी रख के सुनते तो कोई दिक्कत नहीं आता, थोड़ा बहुत दूर भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाले, गाने वगैरह भी आसानी से सुन पाएंगे। और दोस्तों IPX4 सर्टिफाइड है, तो वाटर रेजिस्टेंट तो नहीं है, मतलब वाटर प्रूफ तो नहीं है, थोड़ा बहुत अगर पानी वगैरह स्प्लैश प्रूफ वगैरह है
थोड़ा बहुत पानी इस पर चला जाता है तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाला, लेकिन ज़्यादा देर पानी में रख के छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। अब इसके दोस्तों मेन साउंड क्वालिटी वगैरह की बात करूँ तो जैसे बताया 13 mm का ड्राइवर वगैरह दिया गया, उसके हिसाब से लाउडनेस की बात करूँ तो लाउडनेस काफ़ी ठीक ठाक मिल जाएगा, मतलब ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, ये भी एवरेज लाउडनेस वगैरह देखने में मिल जाएगा जिसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। साउंड क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों तो ऐसे तो इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं दी गई है, लेकिन प्राइजिंग के हिसाब से बात करूँ तो साउंड क्वालिटी ठीक ठाक दी गई है। फुल साउंड पर भी गाने वगैरह सुनते हैं तो साउंड क्वालिटी नहीं फटता, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ट्यून इसकी बेस वगैरह भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा, और साउंड की क्वालिटी भी एवरेज परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब इस कह सकते हैं कि इस प्राइस में आपको काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। और वो वैसे बात करेंगे तो उतना अच्छा खास परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइजिंग के हिसाब से देखो दोस्तों तो साउंड क्वालिटी के मामले में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली, आसानी से यूज़ कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। कॉलिंग वाले बात करो दोस्तों तो नॉइस कैंसिलेशन तो नहीं दिएगा, लेकिन कॉलिंग वाले ले सकते हैं, अगर भीड़ वाले में नहीं है घर पर बैठे रहते हैं तो कॉलिंग वाले ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। अब गेम की बात करूँ तो बेसिकली BGMI मैंने खेला, इसमें बताया तो गया नो एंटी लैग वगैरह दिया गया, लेकिन उसके लिए ये नहीं बताया क्या चिपसेट वगैरह इस्तेमाल किया गया, सिर्फ लिख दिया ब्रांड ने, तो उसमें कोई वो वाला काम नहीं करने वाला, करने वाला गेमिंग में कुछ खास काम नहीं करता, लो लेटेंसी वगैरह नहीं मिलता, राइट लेफ्ट भी सही से नहीं आता, तो गेमिंग के लिए बिल्कुल बिना परचेज करें, कॉलिंग और साउंड क्वालिटी के लिए इसको परचेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, 6 महीने की वारंटी वगैरह मिल जाएगी। तो अमेजोन पर लिस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में बात करूँ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, 800 रुपये के आसपास प्राइसिंग, 800 से 900 रुपये में आसपास मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से मेड इन इंडिया 900 रुपये के आसपास आने वाला स्मार्ट TWS ईयरबड है, तो काफ़ी अच्छा है, परचेज वगैरह कर सकते हैं। मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, गाने वगैरह सुनने चाहते हैं, म्यूजिक वगैरह के लिए लेना चाहते हैं तो फुल सपोर्ट है, परचेज वगैरह कर सकते हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात करो गिवे का दोस्तों, तो गिवे के लिए बेसिकली मैंने दोस्तों इसका 50 लाइक का टारगेट वगैरह रखा है, लेकिन आपको 50 लाइक का टारगेट तब रखा है दोस्तों अगर आप 100% लगभग वीडियो को वॉच करते हैं, तब आपको इसमें पार्टिसिपेट वगैरह कर पाएंगे, सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक शेयर वगैरह करना है, कम से कम 50% वॉच करना होगा वीडियो को तभी पार्टिसिपेट वगैरह कर पाएंगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो फटाफट दोस्तों भाई लोग जितने भी हो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और फुल वीडियो कोशिश करो वॉच करने का, उससे क्या होता है दोस्तों वीडियो का क्राइटेरिया बढ़ता है और जल्दी जल्दी गिवअवे का क्राइटेरिया वगैरह पूरा हो जाता है। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, लाइक वगैरह कर देना दोस्तों, जैसे 3:30 के बज चुके, अब मैं जा रहा हूँ सोने, फटाफट आप लाइक सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी कमाल की वीडियो लाते रहूँ। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही था।